वेलकम बैक गाइस, आज हम बनाएंगे स्पैनर। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे पास एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे दो हेक्सागन्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम हेक्सागन्स बनाएंगे और हमें सेंटर में डिस्टेंस गिवन है कितना, 185 mm, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करनी है और फिर हमें हेक्सागन बनाना है और हमें उसका रेडियस जो है वो गिवन है 1.5, यानी कि उसका डिस्टेंस गिवन है। तो हम 1.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे और इस सेंटर किसी भी पॉइंट पर रखे मैंने। इस सर्कल बना दिया। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रेट लाइन की थी मैंने सेंटर पर लाइट थी, एंड देन मुझे इसके इस पॉइंट पे रख के सेम डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर आर्क लगानी है। ये हेक्सागन बनाने का तरीका होता है। हमने आग लगा दी यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, नाच को ज्वाइन करना है। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास जो डिस्टेंस है आर्क का, वो मुझे गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। मैंने अपना कंपास वापस 1.5 सेंटीमीटर खोला और इस पॉइंट पे रख के मैंने अपनी आग लगा दी। अब इस तरह मैंने अपना कंपास इस पॉइंट पे रखा और इस पॉइंट को ज्वाइन करके एक आग लगा दी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इस सेंटर से मुझे मेरे पास ये वाली आके इसका मुझे डिस्टेंस पिक्चर में गिवन है कितना, 3। तो मैं अपना कंपास खोला 3 सेंटीमीटर और मैंने सेंटर से दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर दिया। जो एक्सटेंडेड लाइन है उनको मिटा देंगे। इसी तरह मैं लाइन को भी मिटा दूंगा। अब हमें इसके सेंटर से डिस्टेंस गिवन है, पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे डिस्टेंस गिवन है 185 mm, यानी कि 18.5 mm। तो मैंने यहाँ पे अपना स्केल रखा और 18.5 mm दूर एक पॉइंट लगा दिया। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस लाइन के नीचे एक और पैरेलल लाइन बनानी है। मैंने यहाँ पे भी अपने हेक्सागन बनाने, मैं अपने कंपास का डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर सेंटर पे रखा और सर्कल बना लिया। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके सेंटर पे मैंने सर्कल नहीं बनाया, इसके सेंटर से एक पॉइंट नीचे आई लाइन पे मैंने सर्कल बनाया। तो आपने भी ऐसे बनाना है। और 1.5 mm पे आग लगाना शुरू कर दूँ। सेम ऐसे मैं यहाँ पे हेक्सागन बना लूँगा। अब मुझे क्या करना है, सेम यहाँ पे मुझे डिस्टेंस गिवन है पिक्चर में 1.5, तो मैंने दोबारा अपना कंपास खोला 1.5 सेंटीमीटर और मैंने इस पॉइंट पे रख के एक आग लगा दी। इसी तरह मैंने यहाँ पे अपना कंपास रखा इसके टॉप पॉइंट पे और यहाँ पे एक आग लगा दी। यहाँ पे जो आर्क है उसका मुझे जो है वो डिस्टेंस गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। मैंने अपना कंपास खोला 3 सेंटीमीटर और मैंने सेंटर पे रखे इन दोनों आर्क को ज्वाइन कर दिया।
अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों पॉइंट से, दोनों पॉइंट से ज्वाइन करना है। इसी तरह मुझे इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करना है। यहाँ पर मुझे आर्क लगानी है और उन आर्क का मुझे डिस्टेंस गिवन है कितना, 50, यानी कि रेडियस मुझे गिवन है यहाँ की आर्क का 50, तो मैं यहाँ की आर्क लगाऊंगा। अब यहाँ से मुझे आर्क लगानी है तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे सर्कल के नीचे से आर्क लगानी है तो हम क्या करते हैं उसको रेडियस को ऐड करते हैं। तो ये रेडियस है मेरे पास 15 और प्लस 50 इज 65। तो मैंने अपना कंपास खोला, 6.5, और मैंने इस पॉइंट पे रख के एक आग लगा दी। जी मैंने अपना कंपास यहाँ पे रखा और एक आग लगा दी। इसके अलावा मैंने अपना कंपास पे रखा और यहाँ पे एक आग लगा दी, थोड़ा सा नाम को कट कर रहे हैं मेरे, और यहाँ पे कंपास रखा और इस पॉइंट पे एक आग लगा दी। अब मुझे क्या करना है, अपना कंपास खोलना है, 50 mm यानी कि 5 cm पीछे मिल सकते हैं, 5 cm हमें रेडियस गिवन है कागज का। मैं अपने कंपास खोला 5 cm, और अभी मेरी मर्जी है कि मैं इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे रख के आग लगा के कट करूँ। अब मैं जितनी जगह जो है वो स्टीप कर चाहिए उतना दूर रख सकता हूँ, और जितनी कम चाहिए उतना करीब रख सकता हूँ। अपनी मर्जी से मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया और इस आर्क को कट कर दिया। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस आर्क को कट कर दिया। अब मैंने क्या किया, अपना कंपास कोई मेरे पास 5 cm पहले से खुला हुआ था, मैंने इस सेंटर पे रखा जहाँ पे मेरे पास दोनों आर्क्स ऐड कर दिए, और इसी तरह मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको मिटा देंगे और ये पर स्पैनर बन गया है।